हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बुटीक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फिटिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग। इसकी कटिंग का मैंने वीडियो बना दिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गला जोड़ते हैं, एक कपड़े पे इसको लगाते हैं। तो गोल गले की कटिंग मैंने कर रखी है। जो इस गले में जो गैप है वो है 6 इंच का, 6 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और एक साइड को इसको यहाँ लग के स्टिच कर देंगे। और अब हम दूसरी साइड को रखेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। अब इसमें हम 1/2 इंच का कपड़ा रख के बाकी को कट कर देंगे और इसको इस बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये गला मैंने कपड़े पे जोड़ लिया। तो अब हम इसको इस तरह से, इस गले का भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे और इस तरह से हम बिल्कुल निशान के ऊपर निशान सेंटर करके, निशान के ऊपर रखकर इसके बिल्कुल पास पास एक इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल बुकरम के पास पास लेके आना है। तो ये देखिए, मैंने गला लगा लिया है। अब हम इसके प्लेट्स डालेंगे। तो जो लंबी वाली प्लेट्स हैं उनके नीचे हम कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए, ये हम एक किनारी से स्टार्ट करेंगे जो हमारा नीचे वाला निशान है, और जो ये बीच वाला निशान है ये हमारा 1/2 इंच का गैप है इसमें। तो हम इस निशान में जाएंगे और ऊपर वाले निशान में फिर इस तरह से हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। तो ये थी हमारी लंबी वाली प्लेट्स। अब जो ये साइड वाली प्लेट्स हैं इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से एक पैर से स्टार्ट करेंगे। एक पैर से स्टार्ट करना है और यहाँ से जहाँ हमें ख़त्म करना है वहाँ निशान को बिल्कुल ऐसे कर लें, सीधा खींचना नहीं है आपको कपड़े को, क्योंकि जब भी तिरछी सिलाई लगती है वो रेब होती है और एकदम से इस निशान में मिला देंगे। ये देखिए, एक पैर से स्टार्ट करा और आते 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 धीरे यहाँ ख़त्म कर दी। और जो ये वाली है शोल्डर वाली, इसको भी हम एक पैर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी तीनों प्लेट्स डल गई हैं। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड प्लेटें डलकर तैयार हो गई हैं। और अब हम चलते हैं बैक नेक की ओर। तो बैक गले में हम रेब लगाएंगे। इसको पहले जोड़ते हैं। रेब को जोड़ते कैसे हैं, ये देखिए, इसकी जो एक नोक है वो इधर जा रही है ऊपर की ओर और दूसरी नोक इधर नीचे की ओर जाएगी। ये देखिए, इसकी ऊपर और इसकी नीचे, और इस तरह से रखेंगे, एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी रेब तैयार हो गई है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम इसको रखते हुए पूरे गले पे लगा लेंगे। तो ये हमने रेब लगा दी है। अब हमें इस रेब वाले जोड़ को इस तरह करना है अंदर की ओर, और इस रेब को, इस जो हमने रेब जोड़ी थी वो सिलाई आई थी उसके ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आपको किसके किनारी पे स्टिच करना है। एक्स्ट्रा जो बड़ी हुई है रेब उसको हम कट कर देते हैं, ऊपर से बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी रेब लग चुकी है। अब हमें इसके भी बैक साइड में जैसे फ्रंट के प्लेट्स डाली थी इसी तरह हम कपड़ा लगा के इसकी लंबाई वाली प्लेट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसके शोल्डर्स जोड़ते हैं। शोल्डर आपको किस तरह से जोड़नी है, आपको इसको फ्रंट गले को बिल्कुल इसको रेब के बराबर रखना है। ये देखिए, रेब के बराबर रखना है और इसको इस बुकरम के ऊपर रेब को फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से जोड़ने से जब हम इसको सीधा करेंगे, ये देखिए कितनी सफाई से उल्टी साइड भी जो इसका जो जोड़ है वो अंदर की ओर चला गया है। और अब हम इसकी देंगे फिटिंग। प्लेट्स वाले सूट जो होते हैं उनकी फिटिंग जो हम सिलाई लगाते हैं वो मैंने आपको कहा है कि बैक साइड से ही लगाएं। और जब हम ये ब्रेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से,
ये है हमारा निशान और यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक पैर ये अंदर की ओर से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ऐसा करने से जो ऊपर की फिटिंग है वो अच्छे से आती है। इस तरह से जो भी आप सूट सिलते हैं उसकी जो ये फिटिंग ऊपर ब्रेस्ट वाली सिलाई साइड से एक पैर अंदर की ओर से सिलाई लेके आएं। हम दूसरी जो सिलाई लगाएंगे वो इस सिलाई से एक पैर की दूरी से लगाएंगे और इसी तरह ही हम इसकी दूसरी तरफ भी फिटिंग की वाली सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है, तो अब हम इसे करते हैं स्लीव्स को तैयार। तो ये हमारी स्लीव्स, तो इसका हम पहले सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। तो ये बाजू जो हम बनाने जा रहे हैं ये आगे से बनाने जा रहे हैं चुंटों वाली। तो हम यहाँ पे एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम इस तरह से चुंटे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम चुंटा डाल लेंगे और हम पहले इसकी मोरी देखते हैं। इसकी मोरी जो है वो है 4.5, तो ये ओके है। तो इसके हम आगे लगाएंगे पट्टी, तो पट्टी को हम उल्टा रखेंगे इसको और इस तरह से इस पट्टी को लगा लेंगे। ये देखिए इसको हम पहले अपने नाखून से टांके को बिठा लेते हैं और अब हम इसको सीधा करेंगे और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर लगा देंगे और बिल्कुल हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम पट्टी लगा देंगे और ये होगी हमारी इस तरह से बाजू। और इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी इसी तरह लगा बना लेंगे। तो ये हमने बाजू के आगे चुंटे डाल लिए हैं और अब हम इसकी इस बाजू को बंद कर देते हैं। ये मैंने बाजू को बंद कर दिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए और जंपर भी हमारा इस तरह से, ये है पीछे की काट। बाजू इस तरह से हम अंदर डालेंगे तो ये हमारी आती है सीधी काट। तो अब हम जंपर को कर लेते हैं सीधा। ये देखिए तो ये है फ्रंट काट और इसको इसके अंदर डाला शोल्डर्स में और ये बाजू का जोड़ और इसका जोड़ को ऐसे मिलाना है आपको और बाजू वाले एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है और सूट वाले को इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारी एक बाजू लग चुकी है और इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है परफेक्ट फिटिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग किस तरह से करी जाती है, आपको समझ आ गया होगा। साथ में प्लेटें भी समझ में आ गई होंगी कैसे डाली जाती हैं। तो एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।